रोड सिर्फ क्लियर कर दीजिए, बाकी टेस्टिंग चलते रहेगा। रोड मेन है, रोड क्लियर कीजिए, ठीक है। रोड रोड छोड़ दीजिए, सबसे पहला बात है कि रोड छोड़ दीजिए आप लोग, यातायात बने रहने दीजिए, रोड क्लियर करके रहिए ना खड़ा होके, व्यवस्थाएं बनाए। ये डीजे आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। आप जानते हैं और आपको मैं जानना चाहता हूँ कि ये डीजे सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और जितनी व्यवस्थाएं बनाएंगे उतनी देर ज्यादा बनेगा डीजे, ये मेरा आपसे वादा है। तिरपाल उठाओ, तिरपाल उठाओ, तिरपाल उठाओ, तिरपाल यहाँ से पहुंच कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा साउंड सिस्टम को ऑन करो और जल्दी करो, ठीक है। हेलो हेलो, रोड क्लियर कीजिए भाई, रोड क्लियर कीजिए, व्यवस्था बनाए बोले, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए बोले, व्यवस्था बनाए। तो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, और आज आपके लिए लाए हूँ मैं एक बड़ी अपडेट, डीजे सालजन साउंड चेकिंग। सो गाइज देखो, रात के 12 बजे और डीजे सालजन की साउंड चेकिंग अब होने वाली है। यार देखो, लोग मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार, मतलब हजारों लाखों की भीड़ में इस डीजे के क्या बोलते साउंड चेकिंग के लिए आए। तो देखो यार, कितना क्रेज होगा डीजे सालजन का, बात तो अलग ही तबाही मचाने वाला है डीजे सालजन। यार एक नंबर अमेजिंग, इस बार देखते हैं क्या लेके जाता है इस डीजे को। तो यार किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने की जरूरत ही नहीं है इसके, तो बिना कॉम्पिटिशन के ही। अभी देखो टेस्टिंग में इतनी भीड़ रखी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, लेके चलता हूँ आपको वीडियो को। तो गाइज अभी मैं थोड़ा दूर आया था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शोर है और मेरे को थोड़ा इंट्रो के लिए आना पड़ा। तो गाइज अभी मैं लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ डीजे सालजन साउंड चेकिंग। तो गाइज आप बताना वीडियो कैसी लगे, आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एक प्यार सा कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो, बोले बोले सभी बोलो से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अगर इसे बजवाना चाहते हैं तिरपाल, जब ही हटेगी सामने बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग पे पहुंच जाओ, इधर उधर हो जाओ, रोड को क्लियर कर दो, जब ही तिरपाल खुलवाऊंगा। अगर आप इसे अपना डीजे मानते हैं, अगर आपका दिल ने जीत रखा है सालजन डीजे ने, अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है भैया, सामने बिल्डिंग है, भोजन है, खेत, पूरी आवाज आएगी आधा किलोमीटर तक भी, आप ये मतलब सोचो वहां तक प्रेशर नहीं आने का। आप बिल्कुल क्लियर खाली कर दो रोड, अगर आपको बजवाना है मैं जब ही तिरपाल हटाऊंगा, जब रोड की बिल्कुल खाली हो जाएगी, अगर कोई बीच में नहीं आएगा फिर उसके बाद। अगर आप हाथ जोड़ के विनती हमसे चाहते हो, बजवाना चाहते हो, क्योंकि पुलिस बता देंगे हम साथ चलेंगे, उनसे अलग हम चल नहीं सकते, हमें उनका भी ध्यान रखना, सब बोलों का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सब व्यवस्था बनाओ, सब बोले, आप ही सब हमारे भैया हो, सब बोले जो है वो ही व्यवस्था बनाएंगे, हम नहीं कि हम कमेटी के बंदे इतनी व्यवस्था नहीं बनवा सकते भैया, तो आपको सबको सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, हमारे भैया आ गए देखो, कसाना डीजे के हनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया डीजे साधन में आने के लिए। सभी जितने मेरे भाई खड़े हैं सबको महाकाल की कसम है, रोड तुरंत एक सेकंड में खाली हो जाना चाहिए, साउंड टेस्टिंग तुरंत होना चाहिए, मगर नहीं तो नहीं पड़ता, थिएटर का पिक्चर कोई देख पाने का मेरी। जय बाबा की, मामला टेढ़ा होगा। अगर सार्जन को सुनना हो भैया, आपकी तमन्ना हो तो प्लीज, महाकाल की कसम दी है तो भैया ने, आप सामने बहुत जगह बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे चढ़ दो, कहीं भी चढ़ दो, है ना, और भैया से खाली कर दो बस, चली तिरपाल हटेगी। त्रियंबकेश्वर महादेव कांवड़ सेवा समिति आपका स्वागत करती है, बापत रोड न्यू देवपुरी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका क्लियर कीजिए, रूट दीजिए एम्बुलेंस को, रूट दीजिए एम्बुलेंस को, रूट दीजिए, चलिए इस साइड आ जाइए सब कोई भाई लोग, एम्बुलेंस को रोड क्लियर कीजिए, इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए भाई लोग, इस साइड आ जाए भैया, जो रोड क्लियर कर रहा है उनका धन्यवाद है, जो रोड पर है वो कुछ नहीं मान रहे हमारी बात, देखो पब्लिक इतना मान रही है, इतना प्यार दे रही है, देखो बिल्डिंग पे भी चल चुकी है 4 मंजिल पे, तो आप लोग भी समझो थोड़ा सा, रोड वाले भैया, भैया एम्बुलेंस को ऐसा जगह बनाइए, एम्बुलेंस को पार होने दीजिए भैया, एम्बुलेंस को खास करके, और जो भैया साइड में इधर उधर बैठे खड़े हैं ना, तो खाली छोड़, रोड को छोड़ दीजिए, फिर बजाते रहेंगे, अभी रोड छोड़िए भैया, पहले तो रोड छोड़िए, पहले रोड छोड़िए,
भैया लोग आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप लोग समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग बजाने के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं। आप लोग पहले रोड छोड़िए, अगर रोड ही जाम हो जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भैया लोग रोड पीछे हो जाइए, उधर एम्बुलेंस को रखो भैया, एम्बुलेंस को रास्ता दे दो भैया, जल्दी से जल्दी। भैया जगह छोटा है, आप लोग नहीं बंद हो जाएगा 10 मिनट में अगर आप देखो व्यवस्था नहीं करोगे तो। रोड सिर्फ क्लियर कर दीजिए, बाकी टेस्टिंग चलते रहेगा। रोड मेन है, रोड क्लियर कीजिए, ठीक है। रोड रोड छोड़ दीजिए, सबसे पहला बात है कि रोड छोड़ दीजिए। आप लोग यातायात बने रहने दीजिए, रोड क्लियर करके रहिए ना खड़ा होके, थोड़ा सा सहयोग करें, रोड को क्लियर कर दीजिए। भैया देखो किसी भोलो को दिक्कत होगी तो हमें दिक्कत होगी, एक बार बताओ आपको दिक्कत होगी कहीं तो, कहीं ना कहीं हमारे भी तो चोट लगेगी वो दिन में। भैया आप सभी थोड़ा सा रोड क्लियर करने में मदद करें तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। भैया पीछे हो जाओ भैया, इस वाली त्रिपाल को मतलब रोकिएगा अभी, नीले वाली को उतारो, नीले वाली को उतारो बस। ये भैया आप थोड़ा सा बोले हमारे मान ले रहे हैं, बोले देखो क्या होगा तो त्रिपाल उतरने की नहीं, अगर ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। सभी बोलो से मेरा निवेदन है और भाद्रवाद की जनता से मेरा निवेदन है कि थोड़ी व्यवस्थाएं बनाए। एनडीजी जी आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। आप जानते हैं और आपको मैं जानना चाहता हूँ कि एनडीजी सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और जितनी व्यवस्थाएं बनाएंगे उतनी देर ज्यादा बनेगा डीजे, ये मेरा आपसे वादा है। त्रिपाल उठाओ, त्रिपाल उठाओ, त्रिपाल उठाओ, त्रिपाल उठाओ। भैया लोग रोड नहीं में आइएगा, रोड में नहीं आइएगा, फिर देखिए फिर त्रिपाल ढकने में भी समय नहीं लगेगा। अगर आपको लंबा समय टेस्टिंग चाहिए तो रोड क्लियर कीजिए, साउंड सिस्टम को ऑन करो, माइक्रोफोन एक माइक्रोफोन एक ना, अच्छा हम यहाँ से पॉज कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा साउंड सिस्टम को ऑन करो और जल्दी करो, ठीक है। गाड़ी खाली करो भाई लोग, रोड रोड क्लियर करो। हेलो हेलो, रोड क्लियर कीजिए भाई, रोड क्लियर कीजिए, व्यवस्था बनाए बोले, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए बोले, व्यवस्था बनाए। पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप रोड क्लियर करें, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई लोग, भाई लोग आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो हम लोग को ढकना पड़ जाएगा, आप ही लोग के लिए करना। महेश शुरू करो, सारे काम रास होने गए, गणेश मनाइए, सारे
एंजॉय रीमिक्स साल बोली से। हुआ नहीं है इसीलिए आप लोग के कहने के चलते थोड़ा देर टेस्टिंग कर दिए, बाकी अपना पूरा सिस्टम जब रेडी हो जाएगा आप लोग को 26 या 27 तारीख को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग का डीजी जो जनरेटर है सही तरीके से सेटिंग नहीं हुआ है, आप लोग का सिर्फ बात रखने के लिए मैंने टेस्टिंग करा दिया, बाकी जब अपना पूरा चीज ओके हो जाएगा ना तो उसके बाद से हम लोग 26 तारीख से रोड शो में शुरू कर देंगे। ठीक है, डीजी प्रॉब्लम दे रहा है, आप लोग वीडियो में देखे थे डीजी जो धुआं मार रहा है वो वोल्टेज काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, हाँ वो तो है, क्योंकि डीजी लोड नहीं ले रहा है, क्योंकि उसी के जनरेटर रहेगा सही तभी हम लोग कर पाएंगे। जैसे रोड पे उठेंगे अभी एक सप्ताह बाकी है तो हम लोग को भी ऐसा ना कीजिए कि कोई सामान का हम लोग का कम वोल्टेज में बजा के नुकसान।